जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। मम्मी गाड़ी में बैठी है, यहाँ सब बच्चे आइसक्रीम ले रहे हैं। फ्रेंड अभी हम लोग अपने होटल तक पहुँचे नहीं है और यहाँ पे सब आइसक्रीम खा रहे हैं और यहाँ पे बड़ा पाव खाया जा रहा है और यहाँ पे आइसक्रीम खाई जा रही है। आइसक्रीम खाई जा रही है, आप खाओगे? अगर बच्ची तो हम थोड़ी सी ले लेंगे। और यहाँ पे जिनी तो पता ही आइसक्रीम खा रही है और यहाँ पे गुनीत भी आइसक्रीम खा रही है। अभी हम यहाँ पे एक छोटे से कैफे पे रुके हैं और यहाँ पे जो मिला वो हम लोगों ने ले लिया है। आपने क्या लिया? आइसक्रीम। सारे बच्चे आइसक्रीम खाने में हैं। फ्रेंड्स फाइनली हम अपने होटल पहुँच रहे हैं, इतना ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं। अब देखते हैं रूम में जाके पहले रेस्ट करेंगे, देन फिर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। आर यू रेडी? ये तो चलो अब हम चलते हैं आगे। तो फ्रेंड ये है अभी होटल का व्यू, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है। और अभी हम यहाँ पे एंजॉय भी करेंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली इतना मजा आ रहा है रिजॉर्ट में पहुँचने के बाद, बहुत अच्छा व्यू है। और आप जिनवानी का चेहरा देख सकते हैं कितना काला काला हो गया, अभी सनटैनिंग शुरू हो गई है। अभी से स्टार्ट हो गई है वो, तो हमें पता है पूरे काले भूत होके जाने वाले हैं। टैनिंग तो ऑलरेडी आनी है। होके जाने वाले या ऑलरेडी हो? नहीं हम होके जाएंगे। और ध्वनि कहाँ पे है? ध्वनि देखो हो रही, ध्वनि कहाँ पे है? हम ध्वनि को ढूंढते हैं। ध्वनि यहाँ पे आई। ध्वनि आपको कैसा लगा? अच्छा। क्या अच्छा लगा? अभी स्विमिंग कर ले। अभी स्विमिंग कर ले। सच में यहाँ बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है। चलो अभी हम लोग रूम में जाते हैं, सेट होते हैं और फिर दोबारा से और हम लेकिन स्विमिंग करेंगे बीच पे। बीच पे मजा। ये तो कहीं पे दिल्ली में भी मिल जाएगा पर हम बीच पे चलेंगे। तो यहाँ देखो तीन छोटे बच्चे एंड एक बड़ा बच्चा स्विम कर रहा है। हाँ नहीं नहीं ये बात तो है। और देखो सियान आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? और वो झूले झूला रहा है। वो झूला झूला रहा है और यहाँ मजे लिए जा रहे हैं, है ना? हम छोटे बच्चे हैं। अनन्या आपका क्या व्यू है, आपको क्या चाहिए? स्विमिंग पूल में हम अभी अभी पहुंचे हैं एंड इन्हें अभी अभी बहुत गर्मी लग रही है और इन्हें स्विमिंग करनी है, तो चलो देखते हैं अभी ये कर पाते हैं अभी आज या नहीं। फ्रेंड्स फाइनली हमको हमारा रूम मिल गया है और यहाँ पे ध्वनि तो देखो वापिस अपने बेड पे लेट गई है। ध्वनि आपको जाना नहीं है नीचे? और जिनी आप बताओ? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फ्रेंड्स देखो मम्मी ने अभी हमको बोला, मतलब बच्चों की मम्मी ने, कि यहाँ पे हम आपको व्यू दिखाएं। वाओ। जिनी इसको खोलो, ये देखो बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं और एक खोल लिया। फ्रेंड्स देखो मजा आ गया, मजा जिनी मजा आ रहा है, मजा। तो फ्रेंड ये तो अभी शुरुआत है इस व्लॉग की, अभी आगे आगे देखो क्या कमाल होने वाले हैं। वही तो बहुत ज्यादा अच्छे। और फ्रेंड देखो यहाँ पे मैं आपको एलिफेंट दिखाता हूँ कितने सारे हैं, जूम करके देखना, लेकिन ये नकली हैं। चलो तो अंदर चलते हैं और फटाफट से रेडी हो जाओ क्योंकि अब हमें जाना है डिनर के लिए और एक पार्टी में। डिनर के लिए लंच हमने स्किप कर दिया फ्रेंड, हमने छोटे मोटे स्नैक्स खा लिए थे बस। तो फ्रेंड्स वी आर रेडी, हम लोग जा रहे हैं रमनिक भैया की बर्थडे पार्टी के लिए एंड बच्चा पार्टी इतनी मस्ती मार रही है सारी की सारी। तो हम गार्डन में जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि मैं भी रेडी होकर आई हूँ। तो चलो और एक्चुअल में जिसका बर्थडे है, बर्थडे बॉय रेडी होने में, बर्थडे बॉय रेडी होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है। तो हमने सोचा हम पार्क में क्यों ना घूमें क्योंकि यहाँ पे ब्यूटी इतनी सीनिक है। हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे एंजॉय करें। हाँ तो बच्चे आप लोग आ गए यहाँ पे? पता नहीं इतनी मैं अजीब अजीब सी चीजें खेल रहे हैं हम, बॉर्डर गए भी छुपा रहे और बोल रहे हैं नहीं तो ऊपर से छुपा से। अच्छा वो कहाँ है सुनाया? वो कुछ देने गए हैं रूम से। क्या लेने गए हैं? चेक क्या लेने गए हैं? चेक चेक से हमें गेम खेलेंगे। ये बैग लेके चलो। तो अनन्या एक बात बताओ, आपने पापा के बर्थडे के लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है? केक। एग्जैक्टली सरप्राइज प्लान किया हुआ है? हाँ जी केक है। हाँ जी हमने मतलब फ्रेंड देखो आजकल के बच्चे अपने माँ बाप के लिए बिल्कुल नहीं सोचते। सियान आप बताओ आपने क्या प्लानिंग करी है? मैंने उनके लिए गिफ्ट जरूर बनाया था, गिफ्ट अपने हाथों से। तो पापा को कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा बहुत सही। और सियान आपने? हम दोनों
सियान देखो कैसे भाग रहा है, हम उसके पीछे पीछे जाते हैं। और हाँ माइंड डैड, मैंने रात को पापा के डेकोरेशन भी करी। ओहो, तुम दोनों ने किसके लिए करी थी? रमनीक अंकल के लिए? अच्छा, मेरे लिए। देखो मैं आपसे आज सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। ये दोनों बच्चे झूठ बोल रहे हैं। हमने स्टोरी में भी अपलोड किया था। आप झूठ बोल रहे हो बच्चे लेकर। अब देखते हैं शनाया आ रही है और ये बच्चे कहाँ पे छुप रहे हैं। फ्रेंड देखो हमें नहीं पता शनाया कहाँ पर है अभी। हमें शनाया कहीं नहीं दिखी। अगर आपको दिख रही है तो कमेंट करके बताना कि आपको वो कहां पर दिख रही है। और फ्रेंड्स अगर आपको आवाज़ हमारी गूंजती लग रही है तो सच में यहां पे आवाज़ हमारी गूंज रही है। और जिस जिसको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा है वो इस ब्लॉग को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप कहां चल दी मैडम? पानी में यहाँ पे आई शनाया। शनाया इज लुकिंग वेरी कंफ्यूज, व्हाट हैपेंड? तो आप कहां गए थे? लेने गई थी गेम खेलने। अच्छा तो आप यहाँ पे गेम खेलने आए हो? हाँ जी। और पापा के बर्थडे का आपका क्या प्लान है? अभी हम बीच पे जाएंगे। बीच पे जाएंगे, तो आपने क्या सरप्राइज प्लान किया उनके लिए? मैंने उनको सुबह जब हम आए थे और कल रात को सरप्राइज दे दिया था। ओह वेरी गुड। तो जिनी, ध्वरी, अनन्या, शनाया एंड गुनीत, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? हाथियों के ऊपर चढ़े बेवकूफिया। हाथी के ऊपर चढ़ रहे हैं, बेवकूफिया कर रहे हैं। सच में अपना मजा होता है। सीरियसली ऐसा लग रहा है हम इनके साथ बचपन जी रहे हैं। कुछ नहीं, होम्योपैथी नहीं। और यहाँ पे पुनीत की दवाई निकली। मैं इलाज कर रही हूँ, इलाज। मम्मी कहाँ जा? मेरे को देखना है। अच्छा आप दोनों ने हाथी शेयर किया है। अच्छा अभी इतना बजट नहीं है आपका, यहाँ भी शेयरिंग चल रही है। फ्रेंड देखो ये सारे बच्चे डिक्की में बैठने की कोशिश कर रहे हैं। हम है ही इतने प्यारे कि सारे बच्चे हमारे साथ ही बैठेंगे ना। तो देखते हैं वो कैसे बैठने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारे बच्चे आ जाएंगे यहाँ पर। कौन कौन बैठा है यहाँ पे? मैं बैठी हूँ। ये पीछे वाली सीट पे कौन बच्चे बैठे हैं? और एक जन जा सकते हैं। मैं जाऊँ? पीछे कौन कौन बैठे हैं? शनाया और मैं। ध्वनि और मैं जाऊँ? तो अभी एक और बच्चे की जगह अभी है। गुरीत आ जाएगी। यहाँ पे रमनीक अंकल को बिठा देते हैं हम। गाड़ी कौन ड्राइव करेगा? तो सारे बच्चे आपकी गाड़ी में जा रहे हैं। बैठ जाओ गुरु मेरे, बैठ जाओ, चले चले यार, फटाफट चलो, भूख बहुत तेज लग रही है। भैया इससे पहले मैं आपका फोन खा जाऊंगा, इसको हटा दो यार। ये देखो बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। मजा आ रहा है आपको? ये देखो बच्चे आ रहे हैं, उन्हें चलने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारी सैंड घुस गई है पैरों में। ये देखो ये देखो। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं इस रेस्टोरेंट में अंदर स्नैक्स और डिनर के लिए। ये बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर अंदर जाके देखते हैं कि ये कैसा रहता है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को मिली है बैठने की जगह और आप देखिए यहाँ बर्थडे बॉय बिल्कुल थक के बैठे हुए हैं, बिल्कुल थक चुके हैं क्योंकि इनका डिनर कराने का बिल्कुल भी मन नहीं था। यार मैं गोवा की बेस्ट जगह में लेकर आया हूँ। मैं बर्थडे वाला रोशनी डालूँ? हाँ थोड़ा रोशनी डालो। तो मैं बिल्कुल गोवा की बेस्ट जगह में लेकर आया हूँ। आपने माहौल सारा देख ही लिया है, तो बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को और इन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अगर ये वीडियो जल्दी बन नहीं हो और खाना नहीं आया तो ये मुझे ही खा जाएंगे। भाई खाना ले आओ यार, चलो खाना मंगाते हैं। Enjoy!
की दूसरी टीम भी बना रही है अनन्या। बना सैंड कैसल। ओ जीनी बना रही हूं। बना रहे हो? और जीनी और सियान वहां पे बना रहे अपना सैंड कैसल। क्या कर रहे हैं वो? टिप-टॉप खेल रहे हैं। तो बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहां पे। बच्चों मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा। हाउ द जोश? ध्वनी डर तो नहीं लग रहा? ओके गाइस ऑल सेट। सो इट्स फाइनली केक कटिंग टाइम। आ जाओ एवरीबॉडी एवरीबॉडी टुगेदर हाथ लगा लो। आ जाओ सब बच्चों। आ जाओ एवरीबॉडी। हैप्पी बर्थडे। ध्वनि और सियान आप क्या कर रहे हो? सैंड कैसल और ध्वनि जिनी आप क्या कर रहे हो? और शनाया आप? सारे बच्चे इस रेत के ढेर में अपना कैसल बनाने में लगे हुए हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि सबसे बढ़िया कैसल किसका है। यह है शनाया का सबसे बड़ा। यह है शनाया का। जिनी आपका क्या है? अच्छा। और ये है ध्वनि और सियान का। और ये कैसल तो खराब हो गया। ये है अनन्या का। ये देखो। तो फ्रेंड्स जब तक हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं इस व्लॉग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, हमारे चैनल की ओर से सब व्लॉग को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अरे अरे जा कहाँ रहे हो? ये वाली वीडियो देखी? नहीं देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।